हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से। सॉरी, एक तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है कोल्ड कफ के वजह से, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से, जहाँ पे यूएस मार्केट्स कल थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर थे, जहाँ पे हमने डाओ में ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स की का ड्रॉप देखा। S&P एंड नैसडैक वॉज ऑल्सो डाउन, लेड बाई दी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, और उनके जॉब्स डेटा आने वाले हैं आज के दिन में, तो वहाँ से क्यूज़ लेते हुए कल नेक्स्ट वीक में मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी मिले जुले से ट्रेड कर रहे हैं। निकाय मॉर्निंग में तो ऊपर वो था, अब थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाई दे रही है। SDX निफ्टी भी यही इंडिकेट कर रहा है, फ्लैट ओपनिंग आफ्टर अ शार्प करेक्शन येस्टरडे। ब्रेंट क्रूड की हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड $82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा रैली हुआ है। रीज़न वहाँ पे ये है कि क्रूड प्रोड्यूसर जो कजाकिस्तान है, वहाँ पे थोड़ी सी अनरेस्ट सिचुएशन है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव स्टार्टेड मूविंग अप। गोल्ड में एक अच्छा खासा कल करेक्शन आया $20 के आसपास, सो 1791 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है पर आउंस। रुपी 74.49 पे ये ट्रेड कर रहा है, थोड़ी बहुत वीकनेस आई है। जो नंबर काफ़ी परेशान करने वाला है वो FIs के नंबर्स है, करीबन 1927 करोड़ की उन्होंने कैश में बिकवाली की है कल के दिन में। साथ साथ उन्होंने 1200 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स बेचा हुआ है, उसके साथ साथ उन्होंने इंडेक्स पे भी बिकवाली की है करीबन 3000 करोड़ की। सो पुट टुगेदर इट्स अराउंड 6000 करोड़ का उन्होंने डायरेक्शनल सेल किया हुआ है ऑन दी इन दी इक्विटी मार्केट। उसके सामने DII ने खरीदारी की है 801 करोड़ की। 10-year G-Sec 6.525 पे आया, तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट वहाँ पे भी यील्ड थोड़ी ऊपर आई है। और ये मैंने कई बार से बहुत टाइम से मैं कह रहा हूँ कि जो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, दी लॉन्ग डेटेड पेपर्स इज़ नॉट द प्लेस यू हैव टू बी इन। द बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ अ फ्लोटिंग रेट फंड विच कैन पार्टिसिपेट इन दी the interest rate moving higher। तो floating rate funds हैं जहाँ पे आप रह सकते हो अगर आपको debt में रहना है तो। market की बात करें तो Nifty 17,600 से लेके 650 एक important support है। resistance करीबन 17,950 से लेके 18,000 रहेगा। तो मुझे लगता है एक 1000 point की rally के बाद एक कल sharp reaction आया because of the minutes of the Fed meeting। अब मुझे लगता है कुछ दिन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन टाइम वाइज करेक्शन अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है बिफोर द बजट हैपेंस। सो 17,600 ऑन द लोअर साइड, 18,000 ऑन द हायर साइड शुड बी द रेंज जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए एंड टाइम वाइज करेक्शन देना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके साथ साथ कल कैबिनेट ने 12,000 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का अप्रूवल दिया हुआ है, जिसके वजह से उनका जो प्लान है वो करीबन 500 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 जनरेट करने का है। इससे हु विल बी द बेनिफिशियरी आउट ऑफ इट, द बेनिफिशियरी वुड बी द कंपनीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इनटू अ रिन्यूएबल एनर्जी विच आर फोकसिंग ऑन दैट। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक है, JSW एनर्जी हो गया, टाटा पावर हो गया, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे वो फोकस कर रहे हैं, तो उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स पे कल मैंने कहा था कि हमें साइडलाइन में रहना चाहिए, फॉल आए तो ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली ख़रीदारी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत साइडलाइन पे रहेंगे। कल हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में थोड़ी बहुत हमने स्ट्रेंथ देखी लेड बाय द बैंकिंग स्टॉक्स, पर वो देखना ज़रूरी है कि ये आज भी वो बना रहता है या नहीं बना रहता। बट मुझे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, वो है एक्सिस बैंक। एक ऐसा बैंक है जहाँ मेरे को लग रहा है वो रेजिस्टेंस के ऊपर अब ट्रेड करना शुरू कर दिया है उसने। 715 से लेके 720 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर किसी को बैंकिंग स्टॉक में अगर पार्टिसिपेट करना है तो एक्सिस बैंक इज़ वन ऑफ देम। SBI ये अगर 500 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही मुझे लगता है इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज़ यू कैन बी ऑन दी साइड लाइन्स
टिल द टाइम इट डजेंट मूव बियॉन्ड दैट। अब बात करते हैं बाकी स्टॉक्स की, जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम है और थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। एक है MRPL, छोटा स्टॉक है, 45 रुपीज़ का है। 46 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन इट इज़ हेडेड फॉर अ 50 एज अ टारगेट। सो यहाँ पे 10% का अप्रिसिएशन है एज अ ट्रेडिंग आइडिया। NBCC वही, कल हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा, 50 के ऊपर क्लोज दिया है, 53, 54। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, और अगर किसी का लंबा थोड़ा होराइजन है तो हम 65 to 75, ये मैंने बहुत पहले मेंशन किया था, बट द स्टॉक हैज़ बीन अंडर परफॉर्मर इन द लास्ट 6 मंथ्स। और एक स्टॉक है जहाँ पे हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, वो है UPL। UPL भी 770 से लेके 790 एक कंसोलिडेशन फेज से दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ रेडी फॉर अ ब्रेकआउट ऑन अ वीकली चार्ट। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, और इसमें आपका टारगेट 850 से लेके 900 रहेगा। कल का क्लोज था 782, बट इट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग आइडिया, इट इज़ अ डिलीवरी बेस्ड कॉल, जहाँ पे आप कुछ हफ्तों के लिए अगर आप होल्ड करते हो, या अगर किसी का लंबा टाइम होराइजन है तो ये 1000 के ऊपर भी चल सकता है। उसके साथ साथ कल मैंने मेंशन किया था कि टेक्सटाइल स्टॉक्स और शुगर स्टॉक्स आर फ्यू टू सेक्टर्स विच आर आई एम क्वाइट बुलिश ऑन। कल हमने देखा इतने खराब मार्केट में भी टेक्सटाइल एंड शुगर स्टॉक्स डिड वेल। टेक्सटाइल में मुझे लगता है अरविंद, फिलाटेक्स इंडिया, सरला परफॉर्मेंस, दीज आर द फ्यू स्टॉक्स यू कैन बाय इन टू इट। और उसके साथ साथ शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर, ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको खरीदारी कर सकते हैं हर गिरावट में, क्योंकि शुगर स्टॉक्स लास्ट एक हफ्ते में एक अच्छा खासा जंप दिखाया है। तो अगर किसी का थोड़ा अगर ये स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बिकवाली आती है 5% या 7% की, तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। बट मुझे लगता है अरविंद लिमिटेड कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आप इमीडिएटली बाय कर सकते हो, या 1-2% अगर करेक्शन देता है तो भी बाय कर सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, कुछ डिलीवरी बेस्ड आइडियाज़ हैं जो आप देख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट कल हम फिर से मिलेंगे। अगर आपके कोई फीडबैक्स या कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।